आज मैं आपको हमारे ट्री हाउस का पूरा अच्छे से टूर देता हूँ, अच्छे से सब कुछ बताता हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। तो फ्रेंड्स, आज भी हम सुबह सुबह उठ गए थे साढ़े चार बजे के पास। 5 बजे हमें चले गए फील्ड, वहाँ हम रनिंग की और थोड़े और फिर अभी यहाँ पे आ गए हैं, छत पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। आधा हो चुका है और थोड़ा सा बचा है, तो चलिए पहले उसे कम्प्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी सीटअप्स। अभी मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज भी कर लिया है और पीछे थोड़ी थोड़ी धूप भी आ चुकी है, तो चलिए अभी हम चलते हैं यहाँ से। मजा ही आ गया। तो फ्रेंड्स, अभी मैं नीचे तो आ गया हूँ, फेस वगैरह तो धो लिया, तो फिलहाल चलिए अभी जाकर मैं हॉर्लिक्स पी लेता हूँ। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं आम, सभी पेड़ में फल चुके हैं एक लाइन से। वाह, इन्हें मजा ही आ जाएगा कच्चा खाने में, थोड़ा और बड़ा होगा तब। सभी मैं ना घर के पीछे आया हूँ और मैं जब भी आता हूँ ये मेरे साथ ही आ जाता है। चलिए आज मैं आपको हमारे ट्री हाउस का पूरा अच्छे से टूर देता हूँ, अच्छे से सब कुछ बताता हूँ। ये अब स्टार्ट करते हैं और यहाँ देखिए ट्री हाउस के अगल बगल भी पेड़ ही है। ये इसका पेड़ है, तो ये कड़ी पत्ता का पेड़ है, आप इसे सब्जी में भी डाल सकते हैं तोड़ के। और यहाँ पे है ये सतालू का पेड़, यहाँ पे सतालू अभी फला भी हुआ है पर ये अभी कच्चा है, छोटा छोटा है, अब इसे पकने में टाइम लगेगा थोड़ा। तो चलिए चलते हैं हम ट्री हाउस के ऊपर। सबसे पहले यहाँ हमारा यही है, यहाँ पे ट्री हाउस, यहाँ भी पेड़ ही है चारों तरफ, आप देख सकते हैं इधर भी ये अमरूद का पेड़ तो आप हमेशा ही देखते हैं, और ये मेहंदी का पेड़ है, और यहाँ पे हमारा राजा है। तो ये क्या कर रहा है अभी, ये खा रहा है अपना खाना, ये देखिए। ओए ओए, इसे खाने देते हैं, अभी डिस्टर्ब नहीं करते वरना ये भाग जाएगा। तो ठीक इसी के ऊपर है हमारा ट्री हाउस भी, ये देखिए। और यहाँ पेड़ ये सब भी हैं बड़े बड़े। सबसे पहले ये है सीढ़ी, तो सबसे पहले वहाँ ऊपर जाने के लिए हमारा ये सीढ़ी है, ये लोहा सीढ़ी, ये देखिए साइड में काफ़ी इसे हमने हरा पेंट कर रखा है ग्रीन कलर का, ये पेड़ के आसपास है और ये ट्री हाउस भी है ना पूरे तरह से। तो चलिए अभी ऊपर चलते हैं, और नीचे भी देखिए पेड़ ही से आप अपने बाल कलर कर सकते हैं तोड़ के। तो ये देखिए फिलहाल अभी हम ट्री हाउस पे तो आ चुके हैं, और यहाँ से हमारे घर का नज़ारा देखिए, और यहाँ हमारे दो हंस घूमते हुए। वाह, ठंडे के दिनों में तो आप हमेशा देखते ही हैं मुझे यहाँ पे, सामने धूप तेज होते हुए। ठीक वहाँ पे हमारा बोट खड़ा है, वाह फ्रेंड्स, ठंडे के दिनों में यहाँ जो अमरूद का पेड़ है यहाँ तो मैं हाथ से तोड़ के खाता ही था, आपने तो देखा ही हुआ है, बहुत ही मज़ा आता है। आपको भूख लगी है यहाँ से उठिए, ग्वावा तोड़िए और खा लीजिए। फ्रेंड्स अभी खड़े खड़े हमें यहाँ अमरूद भी दिख गया है, ग्वावा वही पका हुआ पूरा पीला येल्लो, ये देखिए। तो यहाँ बरसात के मौसम में भी मज़ा आता है, गर्मी के मौसम में भी, सुबह शाम हर मौसम के लिए अच्छा है। चलिए अभी इसके अंदर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ बाहर में देखिए ये लगा हुआ है, ये तो सबसे पहले ये देखिए, ये है ये ट्री हाउस का कवर, अगर बारिश होने लगी या कुछ भी होने लगी तो हम इसे गिरा देंगे चारों ही तरफ से। अभी तो हम इन्हें इसे खुला हुआ है बैठते हैं, तो बारिश होगी तो अंदर ये खराब ही नहीं होगा, भींगा भी नहीं, हम उसका ही मजा ले सकते हैं। और ये बाहर से देखिए ये भी ग्रीन कलर का पेंटेड है, और यहाँ पे ये देखिए हमारा ये ग्लास लगा हुआ है यहाँ से पूरा वहाँ तक ग्लास, ताकि सनलाइट भी अच्छे से आ सके बंद में भी। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। तो अंदर में हमारा ये यहाँ पर छोटा सा गेट है, ये इसे हमने खोला। तो और इसके बाद अंदर यहाँ देखिए
यहाँ पे ये मैट लगा हुआ है, ये ग्रीन कलर का। ये देखिए पूरे बड़े एरिया में है, बहुत बड़ा, आपको वीडियो में पता चल रहा होगा अभी। ये देखिए वही हमारा ग्रीन मैट लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा टेबल चेयर भी है। ये देखिए यहाँ बहुत सारे लोग बैठ भी सकते हैं, और यहाँ पे हमारा ये शेक लगा हुआ है सन बाथ के लिए। यहाँ पे हमारे दो गद्दे हैं, एक तो इसका है इसमें बिछा हुआ है, और एक हमारा बाहर यहाँ पे है, और एक यहाँ हमारा बाहर पे है। तो यहाँ बहुत ही मजे सामान लेते हैं। यहाँ पे चेयर है, आप चेयर में बैठने के बाद भी बहुत स्पेस है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बहुत लोग बैठ सकते हैं। बहुत ही मजा आता है यहाँ पे, हम बहुत ही इंजॉय करते हैं। आपने तो मेरे वीडियो में देखा होगा। और ये जो मैट है ये भी हमने बाहर से मंगवाया है, ये भी बहुत कॉस्टली आता है। और ये ग्लास का टेबल, और ये लकड़ी से बना हुआ है। ये देखिए इसकी खासियत, ऊपर से ये कांच का डिजाइनिंग किया हुआ है। यहाँ पे हम लेट कर मजा लेते हैं ठंडे के दिनों में। और यहाँ से व्यू देखिए, ऐसा व्यू आपको कहाँ मिलेगा। यहाँ पे हमारे सामने पॉन्ड है छोटा सा, हम बोटिंग भी कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, और सामने नीचे हमारा ये हॉर्स के लिए बना हुआ है पूरा, यहाँ से यहाँ तक लंबा। यहाँ पर नीचे हमारा हॉर्स है, और इधर देखिए चारों तरफ ही पौधे हैं। यहाँ मज़ा ही आ जाएगा, दूसरे जगह आपको जाने की जरूरत ही नहीं है वेकेशन के लिए। तो और ये देखिए फ्रेंड्स, तो अब यहाँ ऊपर भी सारे कवर लग चुके हैं, जिन्हें अभी हमने बांध के रखा है यहाँ पे। ये देखिए, और ये ग्लास सभी साइड लगे हुए हैं चारों साइड, ताकि अगर हम पर्दे गिरा भी दे तो रोशनी आ सके। ये देखिए चारों तरफ। और उसके बाद यहाँ पे ना ट्यूबलाइट, मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक, ये दो, ये तीन यहाँ पे, और एक चार, तो सभी लाइटें जलती है। ये देखिए अभी हमने सभी लाइट जला दिया है, ये एक यहाँ पे, ये दो दूसरा कलर, यहाँ पे ये तीन तीसरा कलर, और यहाँ पे ये चार चौथा कलर, सभी कलर के हैं। और यहाँ पे हमने बल्ब भी लगा कर रखा है यहाँ पर अभी खोल दिया, जरूरत नहीं है इस वजह से। देखिए ऊपर से भी कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे ना हमने एक फैन रखा है, अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप फैन भी चला सकते हैं। तो ये देखिए हमने अपना फैन भी चला दिया अब। सामने देखा ना हमारा यहाँ पर ट्री हाउस कितना अच्छा बना हुआ है बैठने के लिए, एंजॉय करने के लिए। मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया आपने ट्री हाउस के बारे में। और यहाँ पे मुझे गर्मी लग रही है तो मैं फ़ैन चलाकर बैठा हुआ हूँ। ये देखिए काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे हमें। हवा चलती है यहाँ पे, और साथ में फैन की हवा भी, मजा ही आ गया।
बहुत हवा दे रहा है, छोटा सा फैन है पर मजा ही आ गया। फ्रेंड्स अभी तो मैंने आपको पूरा ट्री हाउस के बारे में बता दिया, सभी चीजें दिखा दी, अगर कुछ छूट भी गई होगी तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो फिलहाल चलिए अभी हम चलते हैं इधर से, क्योंकि अभी पीछे धूप भी हो रही है और ऊपर तो हमें मजा आ रहा था, फैन भी चल रहा था और जितने सारी चीज लगी थी सब दिखा दी मैंने, अगर कुछ छूट भी गया हुआ तो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। तो अभी हम भैया के साथ लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए हैं, इधर भैया गाड़ी चलाते हुए और यहाँ वीडियो कॉल पे दीदी और भैया भी आ चुके हैं। दिखा लो फोन नजदीक ला, ये देखिए। Hold me close till I get up, time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. आज तो हमें मजा ही आ गया था, हम मजे से घूमने के लिए थे, लॉन्ग ड्राइव पे बहुत दूर तक गए थे, उसके बाद फिर हम घर आ गए और दोपहर में हम घर ही में थे क्योंकि फ्रेंड्स बाहर हो रही थी बहुत तेज और गर्मी भी और सभी लोग घर में रेस्ट कर रहे थे आने के बाद। तो फिलहाल अभी शाम हो चुकी है तो अभी हम घर के बाहर बैठे हुए हैं सभी लोग। ये देखिए मस्त अभी यहाँ पे ठंडी लग रही है और सामने आम कितना सारा फला हुआ है, मजा आएगा कच्चे आम खाने में। और ये देखिए यहाँ हमारे भैया फोन में बिजी हैं। भैया तो अभी भैया कुछ खा रहे हैं, क्या खा रहे हो भैया? ये आइसक्रीम लेकर आ गया। तो भैया तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, मैं इस ब्लॉग को यहीं करता हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। हम कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।